इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब किसी प्लास्टिक की स्केल को या कंघी को बालों में रगड़ा जाता है, तब उस प्लास्टिक की स्केल में और कंघी में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक एबिलिटी आ जाती है। इस तरह से दो बॉडीज़ को आपस में रगड़ने पर वे हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोड्यूस होना कहते हैं। आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने यह पाया कि जब एम्बर को, एम्बर जो कि एक पेड़ों से निकलने वाला रेजिन है, इस एम्बर को जब ऊन के साथ या सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता था, तो एम्बर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या धूल कणों को, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, ये ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है एम्बर। इसके बाद लगभग सन 1600 में विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने यह पाया कि एम्बर के अलावा भी ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ा जाता है, तब वे भी हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स में ये जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ रही है, ये फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण आ रही है, और इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया, यानी कि विद्युत आवेश। अतः यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ने के बाद हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिफाइड या फिर चार्ज्ड कहेंगे, यानी कि आवेशित। और यदि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का गुण नहीं रखता, तो उसे हम अनावेशित यानी कि न्यूट्रल कहेंगे। आइए बात करते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। अगर आप एक ग्लास रॉड को, यानी कि एक कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ें, तो आप पाएंगे कि वो कांच की रॉड, वो ग्लास रॉड छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से अगर आप एक एबोनाइट की रॉड को कैट्स फर के साथ, यानी कि बिल्ली की खाल के साथ रगड़ें, तो वो एबोनाइट रॉड भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये दोनों ही रॉड्स चार्ज हो जाती हैं। आइए अब चार एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर आप दो ग्लास रॉड्स को, जिनको आपने सिल्क के कपड़े से रगड़ा था, उन्हें अगर आप पास पास लाएं,
तो आप पाएंगे कि वो दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगी। एक्सपेरिमेंट नंबर टू। इसी तरह से अगर आप दो एबोनाइट की रॉड्स को, जिनको आपने बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा था, इन्हें अगर आप पास पास लाएंगे तो आप पाएंगे कि ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री। अब हम अगर एक ग्लास रॉड को, जिसको हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा था, और दूसरी एबोनाइट की रॉड को, जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था, इनको अगर हम पास पास लाते हैं तो हम पाएंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि आकर्षित कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फोर। इन दो रॉड्स के अलावा अगर हम किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रगड़ें तो हमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल्स को, उनको भी अट्रैक्ट करे। और वो दोनों रॉड्स, एक तो ग्लास रॉड जिसको सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा था और दूसरी एबोनाइट की रॉड जिसे कैट फर के साथ रगड़ा था, उन दोनों को भी अट्रैक्ट करे। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? नंबर वन, ये जो ग्लास की रॉड है, ये सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर किसी एक प्रकार का आवेश चार्ज एक्वायर कर लेती है, और इसी तरह से एबोनाइट की रॉड जिसको कैट फर के साथ रगड़ा गया था, ये भी एक प्रकार का आवेश चार्ज गेन कर रही है। और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर से हमने देखा कि इन दो तरह के चार्ज के अलावा तीसरा कोई चार्ज आवेश नहीं हो सकता, यानी कि चार्ज केवल दो ही तरह के हो सकते हैं। अगर कोई तीसरे तरह का चार्ज होता भी तो उस चार्ज वाली बॉडी हल्के ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती और उन दोनों रॉड्स को भी अट्रैक्ट करती, लेकिन ऐसी कोई भी बॉडी ऑब्जर्व नहीं की गई। सो फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यही कि चार्ज केवल दो ही तरह के हो सकते हैं। इन दो टाइप्स के चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया था। चार्जेस को ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये मानते थे कि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड पे आने वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया। और अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। इसलिए एबोनाइट की रॉड को, जिसको कैट की फर के साथ रगड़ा गया था, उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, आप अपनी मर्जी से किसी भी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव नाम दे सकते हैं।
नाम अलग अलग रखने से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इसके कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो रहे थे और प्रोटॉन्स रिपेल हो रहे थे, इसलिए बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव नाम दिया गया और प्रोटॉन्स के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया गया।